भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में जमकर हंगामा, एक महिला पदाधिकारी की हुई पिटाई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक में खूब हंगामा हुआ। यहां दो महिला पदाधिकारियों के बीच पहले खूब कहासुनी हुई, इसके बाद एक महिला पदाधिकारी ने अपने पति और कुछ अन्य लोगों को बुला लिया। इस दौरान महिला पदाधिकारी पर हाथ भी छोड़ा गया। बाद में भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने किसी तरह से मामले को रफा दफा किया। बताया जा रहा है कि भाजपा महिला मोर्चा जिला कार्य समिति की तैयारी को लेकर सिविल लाइंस में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य गीता साकिया के आगमन पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच भाजपा महिला मोर्चा की दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस आपाधापी में महिला मोर्चा की एक पदाधिकारी ने अपने पति एवं अन्य कुछ लोगों को बुला लिया। उधर बैठक जब खत्म हुई तो पदाधिकारियों के पति एवं अन्य लोगों सिविल लाइंस पहुंच गए। वहां जिस पदाधिकारियों से बहस हुई थी उन पर हाथापाई हो गई। वहां संबंधित महिला पदाधिकारी का चश्मा भी टूट गया। हालांकि बाद में मामले का रफा दफा करने की तैयारी में भाजपा पदाधिकारी जुट गए। मामले की पुलिस में भी शिकायत नहीं की गई। इस बारे में भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जांच कर पार्टी पदाधिकारियों को उसकी रिपोर्ट देंगे। आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, आप इसे देख भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज़।